कांग्रेस के हाथ से बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट आरजेडी के पास जाने के बाद अब चर्चा इस बात की है कि कन्हैया कुमार को दिल्ली से चुनावी मैदान में उतार दिया जाए। अब सवाल यह उठता है कि दिल्ली की कौन सी सीट से कन्हैया कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार बनेंगे या कौन सी सीट उनके लिए मुफीद होगी। आरजेडी ने कांग्रेस के खाते में बेगूसराय लोकसभा सीट क्यों नहीं दी है, यह भी एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह कि कन्हैया कुमार वहां से लड़ने के इच्छुक थे, उसके बावजूद यह सीट क्यों नहीं दी गई। लोकसभा सीट बेगूसराय के क्या समीकरण है और कैसे 2019 में कन्हैया कुमार को यहां हार मिली थी, बेगूसराय से उम्मीदवार उनको नहीं बनाए जाने के बाद बिहार में सियासी समीकरण किस तरीके से बनता दिखाई पड़ रहा है, कोशिश करेंगे कि ये सारी बातें इस रिपोर्ट में समेटें। दरअसल 22 मार्च को बिहार में महागठबंधन की सीटों का बंटवारा हो गया। पटना में आरजेडी ऑफिस में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान हुआ। आरजेडी ने अपने पास 26 सीटें रखी जबकि कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को 5 सीटें मिली। लेफ्ट की 5 सीटों में से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी को भी सीटें बांटी गईं। अब जिस तरीके से इस वक्त कन्हैया कुमार को लेकर चर्चा चल रही है, ये खबर है कि कन्हैया कुमार दिल्ली की सीट से चुनावी मैदान में उम्मीदवार होंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार को उस समय झटका लगा जब बिहार में महागठबंधन के नेतृत्व वाली लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने बेगूसराय की सीट सीपीआई के खाते में दे दी। इस बीच कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार को दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से उम्मीदवार बना सकती है। उनके नाम पर अंतिम मोहर आगे आने वाली कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लग सकता है, ऐसी चर्चा है। अगर कांग्रेस उन्हें अपना कैंडिडेट बनाती है तो उनका मुकाबला दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी से होगा। मनोज तिवारी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से जीत हासिल कर चुके हैं। यदि कांग्रेस दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से कन्हैया कुमार के नाम पर मोहर लगाती है तो इस बार बिहारी वर्सेस बिहारी की टक्कर दिखाई पड़ेगी इस सीट पर। देखना यह होगा कि दिल्ली की इस इलाके की जनता इन दोनों में से किसे चुनती है। 2019 में बेगूसराय सीट पर कन्हैया कुमार ने टाल ठोकी थी और दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय सीट से वो चुनावी मैदान में थे और करारी हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यहां से शानदार जीत हासिल की थी। कन्हैया कुमार इसके बाद सितंबर 2021 में लेफ्ट छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान वो अक्सर उनके साथ दिखाई पड़ रहे थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, आप सब जानते हैं। दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में है। दोनों के बीच ये तय हुआ है कि आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तय फॉर्मूले के मुताबिक आम आदमी पार्टी के पास नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली की सीटें हैं यानी 4, और कांग्रेस के पास चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली की सीटें हैं यानी 3। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी। पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 मई को है। 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 9 तारीख तक पर्चा वापस लिए जाने की बात कही जा रही है। 25 मई को सभी सीटों पर यहां वोटिंग होगी यानी छठे चरण में। अब इस वक्त जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लेकर सियासी घमासान चल रहा है, इस वक्त जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के जेल जाने को लेकर हंगामा चल रहा है, उस बीच कांग्रेस अगर अपनी इन तीनों सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करती है और उसमें कन्हैया कुमार को आगे करती है, तो चूंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो हो सकता हो सिंपैथी वोट में भी यहां पर कन्हैया कुमार को फायदा मिल सके। लेकिन अगर इसी सीट से कन्हैया कुमार मैदान में होते हैं तो मनोज तिवारी उनके सामने होंगे। अब इस बिहारी वर्सेस बिहारी की लड़ाई में दिल्ली की जनता किसके साथ जाती है, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसका आकलन अभी से करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, इस सीट का जो चुनाव होगा, जो पूरा चुनाव का पीरियड होगा, वो बहुत दिलचस्प होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।